नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। 2012 में हुए वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म केस में फांसी की सजा पाए निर्भया के गुनेगार विनय शर्मा की दया याचिका उप राज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज कर दी है। विनय शर्मा की फाइल दिल्ली सरकार ने LG बैजल के पास भेजी थी। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गत 5 नवंबर को एक दोषी ने दया याचिका दी थी, इस पर राष्ट्रपति ने हमसे विचार मांगा था। दिल्ली सरकार ने रविवार को दया याचिका खारिज करने की रिपोर्ट दे दी है। सोमवार को उपराज्यपाल की अनुमति आ गई थी, उन्होंने भी इस दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश पर मोहर लगा दी थी। अब दिल्ली सरकार इस फाइल को राष्ट्रपति को भेजेगी, इस पर आखिरी फैसला राष्ट्रपति को लेना है। उधर विधानसभा सदन में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उपराज्यपाल ने दया याचिका रद्द करने से में एक दिन का समय नहीं लगाया, जबकि दिल्ली सरकार ने ये फाइल कई दिनों तक रोक रखी थी। आपको बता दें, इसी बीच स्वाति मालीवाल ने भी राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था। आपको बताते हैं क्या कहा स्वाति मालीवाल ने। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर विनय शर्मा की दया याचिका खारिज करने की मांग को ठुकराने को कहा था। उन्होंने कहा था ऐसे अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस फैसले को लेकर निर्भया की मां ने भी एक बात कही। निर्भया की मां ने दोषी विनय शर्मा की दया याचिका को खारिज करने की दिल्ली सरकार की ओर से की बात का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस बात से मैं वाकिफ हूं कि दोषियों ने राष्ट्रपति के पास दया की गुहार लगाई है, बावजूद उन्हें उम्मीद है कि तमाम प्रक्रियाओं के बाद दोषियों को फांसी जल्द ही दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता, आपको मामला बता देते हैं। हैदराबाद में पशु चिकित्सक महिला की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से मार देने की घटना पर निर्भया की मां ने कहा कि मैं नहीं चाहती हूं कि जिस तरह से मैं अपनी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने में 7 वर्ष तक इंतजार करती रही, वैसे ही हैदराबाद की उस बेटी की माता पिता को इंतजार करना पड़े। मैं चाहती हूं कि हैदराबाद दुष्कर्म मामले में आरोपित को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। अगर आपको नहीं पता क्या है ये निर्भया मामला, तो चलिए हम आपको फिर से याद दिलाते हैं। 16 दिसंबर 2012 की रात में फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई कर रही छात्र के साथ दक्षिण दिल्ली में वसंत विहार इलाके में चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद कुछ दिनों तक पीड़िता इलाज के दौरान सिंगापुर में गई और वहां उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में एक दोषी ने जेल में आत्महत्या कर ली थी, वहीं एक अन्य नाबालिग को कोर्ट ने 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेजने का फैसला लिया था, जबकि अन्य 4 दोषी मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।